प्रताड़ना को नहीं सुन पाए हैं किसी भी माध्यम से, तो मुझे मजबूरी में सड़क पर उतर कर पैदल चल करके जो है जाना पड़ रहा है। और आप दो दिन से देख रहे हैं कि जैसे ही हम सारणी में आए हमारे साथ तरह तरह की घटनाएं होनी शुरू हो गई। पहले हमको धमकी दी जाती है और कल रात में जब हम बंडोना से कोलगांव की तरफ जा रहे थे तो अंधेरे में एक लड़का मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उससे पूछी तुम्हारा नाम क्या है, कौन हुआ, उसने बताया नहीं। और उसको देख करके हमें इतना डर लगा, मैं तत्काल गाड़ी में बैठी और हम वहाँ से गांव के लिए आगे निकले। जब हम कोलगांव में पहुँचे तो पेड़ के पीछे छुपके जो है हमारी रेकी कर रहे थे, हमारी जासूसी कर रहे हैं और गांव में भी वहाँ पहुँचकर हमारी वीडियो बना रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मैं पैदल भी अपनी यात्रा नहीं कर पाऊँगी तो महिला कहाँ सुरक्षित है, आप बताइए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आप ये भेजिए, ये पुलिस अधीक्षक को हमने एड्रेस किया है कि अगर हमारे साथ कोई भी घटना होती है इस यात्रा के दौरान तो उसके लिए पूरे के पूरे जिम्मेदार मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश शासन होगा। तो आपके माध्यम से मैं चाहूँगी कि एक महिला की सुरक्षा, वो एक अनुसूचित जाति की महिला को इतनी प्रताड़ना जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उसको संज्ञान मिले। अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही लोग होंगे और हमारी यात्रा के दौरान हमें सुरक्षा भी प्रदान की जाए। कल मैं यहाँ आई, आपने FIR नहीं दर्ज की, हमने कहा हमें धमकी मिल रही है, आप संदिग्ध करिए, आपने FIR दर्ज नहीं की। और उसके बाद आज भी मैं ये मांग कर रही हूँ कि आप संदिग्ध पर FIR दर्ज करें। हमें नहीं मालूम कौन है वो लोग जो हमें धमकी दे रहे हैं, हमें डंपर से कुचलने की धमकी दी जा रही है, गोली से मारने की धमकी दी जा रही है। कल को कोई घटना घटती है तो पुलिस और प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज मामा जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। उसकी शिनाख्त हो गई, वो अपना जवान, उसका नाम मिथिलेश और एक नहीं, हमें कैसे मालूम, एक मिनट आप बताइए, अगर वो कल को मेरे पीछे खड़े होकर घटना को अंजाम दे दे तो आप कहते हमें नहीं मालूम, जब पकड़ा गया तो आप कहते हैं ये नहीं, जब हम एकदम से पीछे मुड़े कोई घटना को अंजाम दे दे, हमें नहीं बताया गया कोई ड्यूटी पे, ना उसने बताया, मैंने 10 बार उसका नाम पूछा, उसने नाम नहीं बताया। जिला विशेष शाखा के हैं, डीसी वाले रहते हैं और सिविल में ड्यूटी करते हैं। हमें तो असुरक्षा महसूस हो रही है, हम तो भयभीत हुए अपनी यात्रा के दौरान, डर का माहौल तो पुलिस ने पैदा किया ना, अभी तक तो प्रशासन ने त्याग पत्र नामंजूर करके इस तरह से प्रताड़ित कर दिया, पुलिस भी हमें धमकी दे रही है, पुलिस ही हमें धमकी दिलवा रही है, पुलिस ही असुरक्षा का भाव हमारी यात्रा में करवा रहे हैं और हमें भयभीत करने की सड़कों पर अब पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। जांच करा देंगे उसकी, बता देता नहीं, मैं पुलिस वालों से सुरक्षा के लिए तो बात ही खत्म हो जाती है। आप अगर मैडम को इस बात बता देते हैं कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ, मैं आपकी सुरक्षा के लिए हूँ, तो ये बात ही नहीं होगी ना। ये लोग हमें ये बोल रहा हूँ सर, LIB अगर थी, LIV वाले थे तो वो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, अगर सिक्योरिटी थी तो मैडम को सूचना होना थी कि आपके साथ सिक्योरिटी है, दोनों चीजों की कोई खैर खबर नहीं। फिर चोरी छुपे से अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारी सूचना किसको शेयर कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, हमें तो संदेह होगा ना, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है। DSB वाले करते हैं, वो तो काम है, DSB वाले करते हैं, नहीं सर, पर अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाते हैं, DSB वाले नहीं ना, मैंने वो तो सही है, मैंने वो तो ठीक है, वो एक मिनट, वो DSB वाला भी नहीं था ना सर, पुलिस का जवान है और एक नगर सैनिक है।
कुछ नहीं है, पुलिस ही जासूस बन के मेरी जासूसी करना चाह रही है। ये खुफिया तंत्र अपना मेरे पीछे लगा रहे हैं, इनके क्या प्लानिंग है भाई। हम अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी के साथ कोई गलत घटना नहीं करना चाहते। हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं, हम सबके साथ न्याय चाहते हैं। हमारे कोई इसमें छुपा हुआ कोई चीज नहीं है। मैं पैदल अपनी यात्रा शांति पूर्वक करना चाहती हूँ। अगर उसमें आप अपना खुफिया तंत्र यहाँ डालना चाहते हैं हमारी जासूसी करने के लिए और किसी घटना को अंजाम देने के लिए, बिल्कुल जिस तरीके से वो मेरे पीछे खड़ा था उसको देख के कोई भी डर जाएगा। आप बताइए, एकदम मैं पीछे मुड़ के देख रही हूँ, कोई भी कोई घटना को अंजाम दे दे तो आप कहेंगे कि हमें नहीं मालूम कौन है, ये अनजान व्यक्ति था। नहीं, हमें नहीं मालूम था कौन लगा है, हमें नहीं बताया गया कौन लगा है हमारे पीछे। हमें सूचना होनी चाहिए थी। आज मैं हम इतना असुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मुझे मैं रात के 12 बजे यहाँ आ रही, कोई महिला को शौक है कि आप बताइए इस तरीके से मध्य प्रदेश में यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा की जा रही है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। परसों भी रात में जब हम खुले में सोए थे वहाँ पे भी गाली गलौज हो रही थी, कोई सुरक्षा नहीं है। कल जिस तरीके का डर का माहौल और भयभीत करने का प्रयास किया, ये पुलिस इसके पीछे जिम्मेदार है। मैं तो यही कहूंगी कि पुलिस ही हमें धमकी दे रही है, बिल्कुल गंभीर। अभी हम रात के 12:10 पे पुलिस थाना सारणी में खड़े हैं। जैसा कि मैंने आज सुबह ही बताया था कि 2 दिन से 2 संदिग्ध लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और आज वो 2 लोग हमारे पीछे पीछे गांव में वीडियो बनाते हुए पकड़ा भी गए। मैं गांव जा रही थी, मेरे पीछे एक व्यक्ति था, मैंने पूछा आप कौन है बताइए, वो वहां से भाग गया। अब जब मैं FIR दर्ज करवाने के लिए रात के 12 बजे यहाँ पुलिस थाना सारणी में खड़ी हूँ तो यहाँ के पुलिस ड्यूटी ऑफिसर और TI जो है मेरी FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं और हमें हमारी यात्रा को 9 तारीख तक भोपाल पहुंचना है। अब आप ये देखिए कि कोई महिला जो है वो सड़क पर जा भी नहीं सकती, उसके आगे पीछे ऐसे लोगों को लगाया जा रहा है कि वो डर जाए तो, और हमारी बताने के बाद भी उस पर FIR दर्ज नहीं की जा रही है। तो कितना दुखद विषय है कि भारत देश का लोकतंत्र आज की स्थिति में आकर खड़ा हो गया है कि FIR तक दर्ज नहीं हो रही है और ये अन्याय सिर्फ प्रशासन अभी तक कर रहा था, पुलिस भी हमारे साथ हमें डरा धमकाकर हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास कर रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी यात्रा को रोकने की धमकी दी थी और आज FIR नहीं दर्ज की जा रही है। तो जिस पुलिस को हमें सुरक्षा देनी चाहिए आज वो हमारी यात्रा को रोकने की धमकी दे रही है। तो अब आप बताइए कि ऐसे में इस भारत देश में महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। अभी तक तो हम राजनीति में जाने की बात कर रहे थे, अब तो हम सड़कों पर भी नहीं चल सकते, तो हम ऐसे में हम कहां न्याय मांगने जाएं। मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करें, हमें सड़क पर सोना पड़ रहा है, रात के 12 बजे हमें थाने में आना पड़ रहा है, हमारी FIR नहीं दर्ज हो रही है, मेरा तत्काल इस्तीफा स्वीकार करें, नहीं तो हम हमारे पूरे ID कार्ड भी नहीं दिखा रहे। उनका नाम क्या है भाई, मतलब हम यहाँ बेवकूफ है जो सड़क पे रात में घूम रहे हो, हमें डरा रहे हो, वहाँ खड़े होंगे एकदम जस्ट मेरे पीछे खड़ा है, जस्ट पीछे खड़ा है ये एकदम ऐसे था। व्हाट्सएप दीदी ने पूछा एकदम से आप कौन हो, उन्होंने जवाब दिया ऐसा मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, ये बोलो हम नहीं जानते, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, हम तो नहीं जानते थे कि ये कौन है। अब क्लियर हो गया? नहीं हो गया नहीं, ऐसा क्यों? हमें तो डर लगा ना, मुझे डर लगा, मैं थ्रेटनिंग हूँ आज, मैं एक महिला होने के नाते मैं थ्रेटन्ड हूँ कि कैसे कोई मेरे पीछे घूम सकता है, मुझे पहले इसका जवाब दीजिए। आपकी यात्रा चल रही थी मैम, आप यात्रा पर नहीं, आप हमें डरा रहे हैं, डरा नहीं रहा हूँ, हमें धमकी मिल रही है, क्या वो पुलिस प्रशासन की तरफ से मिल रही है कि यात्रा रोकिए, इन्होंने धमकी दी है कि यात्रा रोकिए, नहीं तो आपके पर गोलियां चलेगी, नहीं तो आपके पर ट्रक चल दिया जाएगा, इन्हीं की पुलिस के द्वारा ही धमकी दी जा रही है। आप FIR दर्ज करिए, मुझे नहीं मालूम कि जो भी हो XYZ, आप FIR इनके ऊपर दर्ज करिए।
मैं बस नहीं सर, हमारे पास इन्होंने हम डरे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हमारे यहाँ उनको पुलिस रोक रही है, खुद पुलिस प्रशासन हमारी यात्रा को रोक रही है, नहीं खुद आप हमें डरा रहे हैं, हमें चले नहीं दिया जा रहा है, एक महिला आजादी से घूम नहीं सकती है क्या? तो फिर क्यों डरा रहे हैं मुझे, क्यों पुलिस वाले मुझे डरा रहे हैं? कोई नहीं डराएगा आपको, आप आपकी यात्रा कर सकते हैं, जैसा आप बता रहे थे कि आपकी यात्रा तो सुरक्षा के दृष्टिगत ही लगे हुए थे, पुलिस वैसे नहीं आते ना, ये पुलिस वाली हमें धमकी दे रहे हैं, पुलिस वैसे नहीं आते, ऐसा नहीं है तो हमें लगता है कि सुरक्षा कर रहे हैं, सिविल ड्रेस में आके धमकी दे रहे हैं कि यात्रा में रुको, इन्होंने बोला कि आपको यात्रा रोकने का, बिल्कुल इन्होंने ही बोला है, उसका वीडियो बता दे अगर इन्होंने बोला हो यात्रा रोकने, हमें तो दो हमारे पीछे दो संदिग्ध लोग, हमारे संदिग्ध लोग सबसे ग्रुप में ऐड हो रहा है, एक ने ऐड कर दिया दूसरे से क्या कर रहे हैं, जैसे मुझसे नंबर लिए कि यहाँ ग्रुप में ऐड कर लेना, आकाश का नंबर लिया, हाँ ऐड हो, मैंने स्टेटस वगैरह भी डाला हूँ और प्लस मैंने अदर जो मेरे गोडवाना ग्रुप है उसमें भी मैंने आपका जो कुछ है जो सब ऐड किया हूँ, अभी उधर से आवाज लगाई थी तो भगे थे, इधर से आवाज लगाई थी जब अकेला था, हमको कोई आवाज नहीं आया भाई, काय को झूठ बोलना, जो बात सीधी बात है, नहीं नहीं अगर इतनी बात रहती, आपका आईडी कार्ड दिखाओ, मैं मेरे पास है नहीं मैडम, क्योंकि पर्स वर्स में रखता ही नहीं, तो मोबाइल में होगा ना, नहीं मोबाइल में नहीं है, देखिए मांग रहे हैं तो बुलवा लीजिए आप, मैंने फिर क्या मेरे फ्रेंड को सेट किया था, घर से मंगा लीजिए, बुलवा लीजिए, मेरी माँ है उनके पास लोग है, वो नहीं है, है ना मेरे पीछे खड़ा है, मैंने कहा कौन हो आप, मैं आपको नहीं जानती, नाम बताओ, मैं तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, मैंने कहा यहाँ से जाओ, फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे, मजबूरी में मुझे पैदल यात्रा को अपनी गाड़ी में बैठ करके कोलगांव तक पहुँचना पड़ा, कोलगांव जैसे ही पहुँचे तो पेड़ के पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे, पूरे गाँव वालों ने उनको पकड़ा, मतलब क्या है ये, हम अकेले रात में कोई महिला जा भी नहीं सकती क्या, इतना असुरक्षित माहौल आपने यहाँ बना रखा है, कौन है भाई मेरे वो सिपाही, हमें नहीं मालूम कौन है, आप तो दो संदिग्ध हैं, उन्होंने हमें धमकी दी और आज वो पाए गए, मैं FIR दर्ज करवाना चाहती हूँ, बस इतनी सी बात, हमें नहीं मालूम वो ड्रेस में नहीं थे, मैंने कहा तो भाई हमें नहीं मालूम कौन है, जैसे मैं गाड़ी के ऊपर गए थे, कौन पहचान है, मैंने बोला कौन है आप नाम बताइए, वो नाम भी नहीं, मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ अभी, नाम भी नहीं उन्होंने बताया, नहीं कर उन्होंने नाम नहीं बताया मुझे, उन्होंने नाम नहीं बताया मुझे, नहीं पहले आप FIR दर्ज करिए, FIR दर्ज करिए तब तक नहीं बंद होगा जब तक आप FIR दर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि दो संदिग्धों ने हमें धमकी दी है और अगर हमें कुछ हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, हमारे लोग लगे हो मेरा,
नहीं हमें नहीं मालूम कोई गलती में नहीं था, हमें नहीं मालूम कि कोई सुरक्षा लगी है। नहीं नहीं मैडम, डीएसपी का भी काम होता है, डीएसपी हमारे जो है गलती उसने क्या था वाता जो भी है नहीं। आज मुझे आज मैं गांव जा रही थी, मुझे असुरक्षा महसूस हुई क्योंकि अननोन लड़का मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उससे पूछा आप कौन हो, उसने नाम नहीं बताया, वो वहाँ से भाग गया। फिर हम आगे गए तो वहाँ से हमारा वीडियो बना रहे थे, तो हमें तो असुरक्षा महसूस हो गया। काम ही रहता है डीएसपी का, काम है सिविल में काम करना अपना, क्या थोड़ी दूरी से लेती है जैसा। तो आप एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, आप एफआईआर नहीं दर्ज करें, हमें नहीं मालूम वो कौन है। हमें दो दिन से धमकी मिल रही है, दो संदिग्ध आज हमें मिले हैं, अब आप एफआईआर दर्ज करेंगे या नहीं। मैं रात के 12 बजे यहाँ बैठी हूँ, पागल नहीं हूँ। नहीं आप मुझे बताइए आप एफआईआर करेंगे या नहीं दर्ज। मतलब पुलिस ही हमें धमकी दे रही है, आपका कहने का मतलब यही है कि पुलिस ही हमें धमकी दे रही है। देखो ये नंबर लिया है हमारे बंदे से, ये बोला गया कि आप इस यात्रा को रोके नहीं तो इसको कुचल दिया जाएगा या गोली मार दी जाएगी, और बकायदा नंबर लेके हमारे ग्रुपों में ऐड करवाया है। तो पुलिस ही हमारी जिसको सुरक्षा करनी चाहिए वही हमें धमकी दे रही है, वही हमें डरा रहे हैं, यही बात हुई ना। और अब आप एफआईआर भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, क्यों नहीं देंगे? अब आप एफआईआर नहीं दर्ज कर रहे हैं। मैंने दो बार पूछा, आईडी बताइए आपकी, नहीं बताइए आईडी। पूछा जब कोलगांव और तीन लोगों ने रोका उसको, पर अब आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिलीप चौकी कर बताया ऐसा क्यों? मैंने कहा आईडी दिखाओ दिलीप चौकी कर का, दो संदिग्धों की क्योंकि हमें धमकी मिली है, तो आप एफ आई आर दर्ज करेंगे दो संदिग्धों की क्योंकि हमें अभी 9 तारीख तक भोपाल चलना है। इस बीच में अगर कोई घटना हुई तो हमें बोला जाएगा कि आपने एफ आई आर दर्ज किया था, हमें तो धमकी यहाँ मिली ना सारणी थाने के अंतर्गत, उन्हीं लोगों ने दी है, उनने नंबर लिया बकायदा ग्रुपों में ऐड करवाया। क्यों नहीं है जब मेरा इस्तीफा नहीं मंजूर कर रही है, जब प्रशासन मुझे परेशान कर रही है तो पुलिस भी तो उसी का अंग है, पुलिस भी हमें परेशान कर रही है। क्यों नहीं परेशान कर रही है? धमकी दे रही है यात्रा बंद करिए, हमें सुरक्षा आपको देनी चाहिए, आप यात्रा बंद कर रहे हैं। आपने किया लेकिन इन्होंने तो नहीं बताया, आपने किया लेकिन इन्होंने तो नहीं बताया ना कि कौन है, इन्होंने अपने कोई आईडी कार्ड को बताया नहीं। आपको जरा से कहा चलो ये नाम इनका वीडियो बनाओ पहले, हम इनसे इनसे क्या बात करेंगे। सर कहाँ पूछ रहे संदिग्ध में इनका नाम डालो, हमको धमकियाँ मिल रही है, हमारे रात में कोई पता चले कोई गलत बात नहीं है। देख लो सुनो ये सब में स्टेटस वगैरह, अरे देखो कुमरे कौन है? मैं हूँ। मैं इसको फोन करके ये क्यों पूछे कोलगांव में तुम लोग कहाँ रुके? अरे तो यार मैं यहाँ आया हूँ, तू वहाँ आके नहीं पूछ सकते थे? अरे तो भाई का नंबर गाड़ियां खड़ी ना, वो गाड़ियां खड़ी ना, हमने पहले वीडियो बना के दो संदिग्ध हमको धमकी मिल रही है, हमको क्या पता कौन कहां रहते। लड़का आपका क्या नाम? आधार कार्ड दिखा दे तब मैं लगे तो नहीं, आधार कार्ड की फोटो दिखा, आधार कार्ड यार दोस्त हमारे पास। नहीं नहीं अभी इन्हें बोले ना आधार कार्ड है, बोले बोला पूरा तुमने अभी बोला आधार कार्ड है तुम्हारा, दिखाओ दिखाओ। कितने मिलवाया था संतोष का? नहीं आपसे कितने मिलवाया? नहीं इनकी फोटो पहले अच्छे से खींचो, ये कोई गोली मार दे क्या कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कल वहाँ चौक पर हंगामा किया ना, लाइट गोल भी थे ना, कर रहा हूँ भाई साहब ने जब यहाँ मुझको बता रहे दिलीप चौकी करो, तो दीदी को क्यों नहीं बताया? किसको? दीदी ने आपसे वहाँ पूछा? अब मैं पर्सनल मिल ले तो नहीं, वहाँ पूछा ना आपसे दीदी ने? हाँ, तो आपने क्यों नहीं बताया? मैं पीछे था दीदी का, आप नहीं थे? कैसी बात कर रहे हो आप? नहीं थे कोई पूरा सारनी पाता खेड़ा में बोल रहे हैं, मैं दीदी के आजू बाजू में रहता हूँ, मैं मान जाऊँ पूरा पाता पूरे विधानसभा जानती है, ये भाई लोग से भी पूछ लो, हर कोई ऐसा कोई दूसरा बंदा भी होगा जो विपक्ष पार्टी का भी, वो जानता है कि मैं साथ में हूँ। ठीक है आगे पीछे रहे तो मेरा कहने का मतलब है दीदी ने आपसे पूछा कि आप कौन हो? आप कंफर्मेशन दूसरी चीज ये कि जब आप आए
तो गाड़ी तो आ ही रही थी, आप इतने स्पीड में इधर क्यों आ गए, वहीं रुक जाते। ये आते ना कुर्सी वगैरह रुकी थी, हम तो वहाँ वहाँ आप लोग कुर्सी वगैरह यहाँ पे रुकी रखी थी, सामने देखो आप कुर्सी रखी है तो हमको लगा यहाँ पे आए। अच्छा मैं दीदी से बात कर लूँ, आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, आप चलिए, मेरा दायित्व है मेरी बहन की रक्षा करना। हाँ चलते कौन से नगर में रहते हैं? मैं शिवाजी नगर मास्टर साल वार्ड नंबर 25 LCS 14। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कुछ नहीं कहना चाहते, मैं क्या है, हम तो सारनी से आ रहे थे भाई। मैं सुबह 7 बजे से सारनी से साथ में हूँ, साथ में हूँ ना। मांग रहे जिस तरह से पैदल पदयात्रा शांतिपूर्ण निकाली है, आमला से सारणी आई थी, सारणी से कोलगांव गई, इनके साथ जो घटनाक्रम घटा क्या लग रहा है? घोर निंदनीय घटना है। एक तो ये कि महिला, दूसरी बात ये कि अनुसूचित जाति की महिला, और उस महिला के साथ न्याय ना करना, और जब वो न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए जमीन पर उतरी तो उसकी रेती कराना, उसको धमकाना, उसको डराना, चंपर से कुचल देने की धमकी देना, ये घोर अन्याय है। और इसमें मध्य प्रदेश शासन की, मध्य प्रदेश शासन के मुखिया की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जो दो संदिग्ध की जहां तक बात कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी का कहना है कि वो आईबी के लोग हैं और उन्हें लगाया गया है, तो इसकी जानकारी निशा बांगड़े जी को भी देना चाहिए कि नहीं? गलत जानकारी है, वो LIB के लोग नहीं थे, LIB के लोग होते तो संतुष्ट होती मैडम। वो पुलिस का एक जवान था और एक उसका होमगार्ड का जवान था। अब जब पुलिस ही रेकी कर रही है, पुलिस ही पीड़ित महिला की यात्रा को शेयर कर रही है, किसको कर रही है, क्यों कर रही है, ये बहुत ही शोचनीय विषय है। इसके आगे क्या प्लानिंग है, किस प्रकार की घटना की जा सकती है, ये एक शोचनीय विषय है और बहुत गंभीर विषय है। हाँ निशा बांगड़े जी, आपकी शांतिपूर्ण यात्रा जो यहाँ से निकली थी सारणी से और कोलगांव तरफ आप जा रहे थे, दो संदिग्ध ने आपका पीछा किया और आपको, आपके साथियों को जान से मारने की धमकी तक मिली, ट्रक से कुचलने की धमकी मिली, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा कि आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो मेरी पीड़ा को आज तक समझ नहीं पाए हैं, 3.25 महीने बीत चुके हैं, तो उनको हम अपनी पीड़ा सुनाने के लिए मैं आमला से पैदल चलकर भोपाल जाना चाह रही थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसी मैं सारणी में पहुंची तो यहां पर हमें धमकियां मिल रही है कि आपको गोली से मार दिया जाएगा, ट्रक से कुचल दिया जाएगा, डंपर से कुचल दिया जाएगा। और कल जब हम बगडोना से खाना खाकर ही कोलगांव की तरफ निकले तो दो संदिग्ध व्यक्ति हमारे आगे पीछे हमारी यात्रा में घूम रहे थे। एक जस्ट मेरे पीछे आया, मैंने उससे पूछा, अंधेरा था सड़क में, सुनसान सड़क थी, मेरे साथ कोलगांव के लोग थे, मैंने उससे पूछा कि आप कौन है, आपका नाम क्या है, तो उसने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई। और फिर मैं एकदम डर गई कि किसी घटना को अंजाम ना दे दे, मैं अपनी गाड़ी में बैठ गई। और गाड़ी बैठकर जब हम कोलगांव पहुंचे तो वहां पर फिर ये दो लड़के जो है पेड़ के पीछे छुप करके जो हमारा वीडियो बना रहे थे। फिर मैंने गाँव वालों को बताया तो गाँव वालों ने उनको पकड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई कि वो लोग कौन है। तो मुझे पूरा शक है मध्य प्रदेश शासन पर, ये किसी न किसी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, क्योंकि धमकी देकर मेरी यात्रा को रोकना चाहा, मेरा त्यागपत्र मंजूर नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश के, क्योंकि हमारी यात्रा तो आमला से निकल के भोपाल जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के गांव से जैत और बुधनी से, तो मैं सभी सामाजिक धार्मिक सभी संगठनों से अनुरोध करूंगी कि एक महिला जो सड़क पर भी असुरक्षित महसूस कर रही है, पुलिस द्वारा स्वयं डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, एक महिला बेखौफ नहीं घूम सकती मध्य प्रदेश की गलियों में, तो अगर हमारे साथ इस यात्रा में किसी घटना, कोई दुर्घटना हमारे साथ होती है तो उसके लिए मध्य प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री जी जिम्मेदार होंगे। आपने चौकी प्रभारी को और थाना प्रभारी को भी प्रेस के बताया कि मेरे साथ ये घटना घटी, उसके बाद भी आपकी FIR दर्ज नहीं की गई, आज आप यहाँ पर पुनः थाना प्रभारी महोदय के समक्ष आके आपने एक आवेदन दिए है आपने कि FIR दर्ज की जाए, सुरक्षा की मांग की जाए, और क्या क्या मांग आपने की है? बिल्कुल, जैसे ही ये घटना कल रात के 10:30 बजे वहाँ घटी, हम तुरंत वहाँ से निकल के और उनसे पूछताछ हमने की कि आप कौन हैं, क्यों हमारा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। हम रात के 12 बजे थाने पर पहुँचे, ड्यूटी ऑफिसर को मैंने कहा कि FIR दर्ज करिए, उन्होंने नहीं की। TI को बुलाया, TI को मैंने कहा कि मेरी FIR दर्ज करिए, हमारी जान को खतरा है, लेकिन उन्होंने भी FIR दर्ज नहीं की। तो आज हम ये आवेदन यहाँ पर देने आए हैं कि मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, अगर किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जिम्मेदार होंगे।
यहाँ से अब यात्रा आप पुनः शुरू करेंगी? हमें मजबूरी में वहाँ से ही वापस यहाँ आना पड़ा गाड़ी में बैठ के। अब हम पुनः वहाँ जाएंगे जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी और हम वहाँ से अपनी यात्रा को बरकरार रखेंगे, क्योंकि हम अपने न्याय और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लड़ेंगे और भोपाल तक जाएंगे भी। भोपाल तक जाने में रास्ते में आपको कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि ये साजिश षड्यंत्र रची जा रही है मेरे खिलाफ कि किसी प्रकार से किसी दुर्घटना को अंजाम दिया जाए मेरे या मेरे किसी साथी के द्वारा। हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हम लेकिन फिर भी जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं।